टेक्नो के फ़ोन के अंदर OTP की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सही करेंगे ये। टेक्नो के स्मार्टफोन के अंदर अगर आपको OTP प्राप्त नहीं हो रही है, OTP रिसीव नहीं हो रही है, चाहे आप UPI ID बना रहे हों, चाहे आप किसी भी ऐप में लॉगिन हो रहे हों, तब आपको OTP प्राप्त नहीं हो रही, चाहे आधार कार्ड से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है OTP की। तो इस वीडियो को देखने के बाद टेक्नो के स्मार्टफोन में आप OTP की प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं OTP की प्रॉब्लम को टेक्नो स्मार्टफोन के अंदर कैसे सही करते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना होगा, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर मिलेगा, प्ले स्टोर में जाके आपको सबसे पहले एप्लीकेशन अपडेट करनी है, जिस भी एप्लीकेशन में आप OTP चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं मैसेज वाले ऐप में OTP चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये वाला ऐप है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसे मैं अपडेट पर लगा दूंगा, ठीक है। इसे आपको अपडेट करना है अपने टेक्नो स्मार्टफोन में। अगर आप कोई अदर ऐप पे OTP चाहते हैं, जिस भी ऐप पे OTP चाह रहे हैं, उसे आप अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर से जाके, ठीक है। तो जैसे फिलहाल मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ, इंस्टॉल हो रहा है, अब इंस्टॉल आपको हो जाने देना है। इसे अपडेट हो गया है, मैंने पहले कहा है जिस भी ऐप में आपको OTP की प्रॉब्लम आ रही है उसे अपडेट कर लीजिए। अपडेट नहीं आ रहा है तो उसका क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने उस ऐप को अपडेट कर लिया, ये देख सकते हैं कि आपका अपडेट नहीं है। तो अपडेट है पहले से तो आपको यहाँ आई बटन देखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे आप फोर्स स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा स्टोरेज एंड कैच, इसका आप क्लियर कैच कर दीजिए और क्लियर डाटा भी आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। डाटा डिलीट हो जाता है इसलिए आप डाटा क्लियर डाटा कर दीजिए, कोई दिक्कत वैसे नहीं है, मेरा भी नहीं डिलीट हुआ है, मैंने कई बार किया है। ये आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल का जो पावर वाला बटन है उसे आप दबाएंगे, जैसे मैं दबा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ इसे कर देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वैप अप टू रीस्टार्ट, तो फ़ोन को रीस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये भी आपको करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, टेक्नो स्मार्टफोन की जो सेटिंग है उसमें जाना है और यहाँ पे मिलेगा सिम कार्ड एंड वॉल नेटवर्क, इस पर क्लिक करना है। जिस भी आपको OTP में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये आप देख सकते हैं SMS मैसेज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं जियो या वो जो भी आपकी सिम में जो भी सिम है जिसमें मैसेज वगैरह चाहते हैं वो सिम सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कॉल चाहते हैं वो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए और मोबाइल डाटा चाहते हैं वो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आपको करने के बाद आपको यहाँ पे आप मिलेगा आपको जो भी सिम है उसे सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ चलना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देख सकते हैं, मोबाइल डाटा ऑन कर लेना है, रोमिंग आपको ऑन कर लेनी होगी इसकी, ठीक है। उसके बाद ऐप डाटा यूज, इस पर आप ऐप डाटा यूज सॉरी ये नहीं करना है, यहाँ पे आपको नीचे चलना है, यहाँ पे लिखा होगा प्रेफरेड नेटवर्क टाइप्स पे क्लिक करना है, 2G 3G 4G को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से चॉइस नेटवर्क, तो यहाँ पे आपका 4G नेटवर्क या जो भी जियो 4G इस तरीके से कर देना है। एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करके यहाँ रीसेट टू डिफॉल्ट कर दीजिए, ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप बैक चले आइए, बैक आने के बाद आपके फ़ोन के अंदर जो OTP की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। लास्ट में आपको एयरप्लेन मोड और यूज़ करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं OTP की प्रॉब्लम 100% फिक्स हो गई होगी। आपके टेक्नो के किसी भी स्मार्टफोन में प्रॉब्लम आ रही थी वो। फिलहाल लेता हूँ विदा, जय हिंद।